بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स, एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज द लास्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ A2। ठीक है, ओके। एज द नेम सजेस्ट कि इट इज नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जब मैं कहती हूँ तो इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो उनकी बात करते हैं हम सबसे पहले कि वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें आपके पास नाइट्रोजन है। देखिए, सबसे पहले जो है वो आपके पास है CH3NH2। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, ये तो अमाइन है। ठीक है, फिर आपके पास है CH3 3OO एंड यू गॉट NH2, तो ये क्या है, ये तो अमाइड है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। फिर है आपके पास CH3C BBB एंड, तो ये जो है ये नाइट्राइल है। ठीक है, तो ये तो है जो आपने देखे। इसके अलावा ये एक है, बट वो जो है वो भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अच्छा, अब जो है जो नेक्स्ट चीज हम देखेंगे वो है के पास टाइप्स ऑफ अमाइन्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास है थ्री टाइप्स है, प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी अमाइन होगा और आपके पास टर्शियरी अमाइन होगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन H। सेकेंडरी में क्या होगा, CH3 N CH3 H और देन टर्शरी में CH3 N CH3 CH3। अब ये जो है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किस तरह है, देखिए ये इस तरह है। प्राइमरी का मतलब ये होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके साथ एक सी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो जब एक एल्काइल ग्रुप होगा तो प्राइमरी होगा, जब उसके पास दो एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे नाइट्रोजन तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और जब तीन हो जाएंगे तो वो टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे टू रिमेम्बर कि कौन सा जो है वो है। ठीक है,